बिल्कुल सही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच महाराष्ट्र के कुछ अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। अहमदनगर जिले की एक घटना में दावा किया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर बंद होने से कोरोना वायरस के दो मरीजों की मौत हो गई और उसी अस्पताल में भर्ती बाकी कोरोना मरीज ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से परेशान होते दिखे। बाद में अस्पताल का स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर को बदलने में जुट गया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उस्मानाबाद के एक सरकारी अस्पताल से भी सामने आई। वहां कुछ कोरोना मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हुआ। बेड की कमी ऐसी कि उनका इलाज कुर्सी पर बैठाकर और जमीन पर लेटाकर ही शुरू करना पड़ा। इस बीच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि अस्पतालों में इंतजामों को किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा हुई। अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन लेने की कोशिश चल रही है, बेड बढ़ाने का काम शुरू है। वार्ड के हालात देखकर ये पता लगाना मुश्किल दिखा कि ये कोरोना मरीजों के इलाज की जगह है। दो घंटे से कम की घरेलू उड़ानों में खाना नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया कि अब दो घंटे से कम की घरेलू उड़ानों पर खाना नहीं मिलेगा। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ये नियम गुरुवार से लागू होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया। खासकर दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों की कोरोना जांच ज्यादा तादाद में हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी है। नई दिल्ली स्टेशन पर बात करें तो पहले दो काउंटर हुआ करते थे, अब चार काउंटर बनाए गए। इसके साथ ही उन राज्यों के यात्रियों की जांच जरूरी कर दी गई जहां कोरोना बेकाबू है। तो आपकी ट्रेन है महाराष्ट्र से आ रही है, केरल से आ रही है, पंजाब से आ रही है, इन सब पैसेंजर को हम रोकते ही रोकते हैं। पूर्व जज सुरेंद्र यादव को यूपी का उप लोकायुक्त बनाया गया। सुरेंद्र यादव लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में जज थे और अयोध्या मामले में फैसला भी सुनाया था। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया। अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने पिछली टीएमसी और लेफ्ट सरकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरकारों ने गोरखा समुदाय के लोगों पर काफी अत्याचार किए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क नहीं लगाने वालों को सबक सिखाने के लिए वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ ने अनोखा तरीका निकाला। वहां सीएमओ एक साइकिल पर पीछे बैठकर बाजारों के बीच घूमते रहे। इस बीच वो मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाते रहे। इसके बाद सीएमओ वहां की दुकानों में पहुंचे और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे सभी के चालान काटे गए। छतरपुर नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने दावा किया कि उनकी गाड़ी बाजार में आते देख लोग मास्क लगा लेते थे, जिसके बाद उन्होंने साइकिल से चलने का फैसला किया। हनुमान के जन्म स्थान पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जंग छिड़ गई। News18.com की रिपोर्ट है कि दोनों राज्य अपने अपने यहाँ हनुमान का जन्म स्थान होने का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोग्गा के रामचंद्रपुर मठ के प्रमुख राघेश्वर भारती ने दावा किया कि हनुमान का जन्म राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कोंकण में हुआ है। इसके बाद इसके पीछे उन्होंने रामायण का ही हवाला दिया और दावा किया कि हनुमान ने खुद सीता से कहा था कि उनका जन्म स्थान गोंकड़ में है, जबकि इससे पहले दावा किया गया था कि हनुमान का जन्म कर्नाटक के कोप्पल में हुआ था। लेकिन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का दावा यह है कि हनुमान की जन्मभूमि आंध्र प्रदेश के तिरुपति की अंजानद्री पहाड़ी में है। इसलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उसने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जो 21 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैरान करने वाली कुछ